नहीं 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 चले गए नहीं, तुम्हारी बात सुन भाई, चाचा एक पेपर देना जरा। हमारे समाज की बात ना मानकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार तो मोदी साहब को दिखाना ही है कि कांग्रेस तो कांग्रेस, यार कांग्रेस तो चलेगी नहीं। अरे भले कांग्रेस बुरी तो बुरी, देखा जाएगा तो भाई। नहीं 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 कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। चुप, खबरदार कांग्रेस के खिलाफ एक भी शब्द बोला। अरे दिया लेकर ढूंढने जाओगे ना तो भी ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी। पार्टी है ना, चलते चलते करोड़ों के घोटाले किए, खुद भी खाती है और दूसरों को भी खाने देती है। 84 के दंगे, गुजरात की माफिया गिरी है। पार्टी को वोट बैंक की राजनीति करने की थोड़ी बुरी आदत है, लेकिन पार्टी शत प्रतिशत सेक्युलर। पार्टी के युवराज है ना, सॉलिड कॉमेडियन। बड़े बड़े कॉमेडियन भी उनके यहाँ पानी कम चाय। लोगों को सवालों के जवाब चाहिए, उन्हें जवाबों के सवाल चाहिए। उनके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। और जातिवाद की राजनीति से सत्ता पाने की कला तो अंग्रेजों से सीखी, अंग्रेजों से। माधोशी सोलंकी की खाम नीति है ना, उसका उत्तम उदाहरण। खाम नीति? खाम नीति मतलब ये देखो, के यानी क्षत्रिय, एच यानी हरिजन, ए यानी आदिवासी और एम यानी मुस्लिम। इन चारों को समाज से अलग कर दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, बांटो राज करो। 85 में इसी नीति से गुजरात की एकता भले ही हार गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जीत गई। ये तो मोदी आया उसके बाद एकता आई गुजरात में, बाकी आती क्या। और सभी गुजरातियों को परेशान किया है, फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मोरारजी देसाई हो या नरेंद्र मोदी जी हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं सब। कांग्रेस के बारे में एक भी शब्द मत बोलना। अरे हाँ, पार्टी का सिर्फ नाम ही अंग्रेज नहीं है, गुण भी अंग्रेजों जैसे ही है। फैमिली का खास, उसी का विकास, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। मोदी जी ने क्या लगा के रखा है, सब सबका साथ सबका विकास कहने से क्या सरदार सरोवर डैम बन जाएगा, नर्मदा का पानी सौराष्ट्र कच्छ तक पहुँचेगा, बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी, ठेंगा। वो जो भी हो चाचा, लेकिन आप हमारे समाज के नेताओं को पहचानते नहीं है। अरे हाँ, इनमिना डिका और राइमाना डिका है ना, जबरदस्त समाज सेवक है वो तीनों। इतनी बड़ाई थी, बाढ़ में काम करने गए थे वो लोग। है कोई फोटो? अगर है तो भेजो ना मुझे व्हाट्सएप पर। समाज सेवी, सत्ता पाने के लिए इससे कर दिए समाज के दल दी दरारे। चाचा ऐसे इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, अपने समाज के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा, किसी को अपनी जाति के लिए हक चाहिए, किसी को अपने समाज के लिए अधिकार चाहिए, लेकिन देश का विकास किसे चाहिए? होता है कोई धुनी लगाकर बैठा हुआ कर्मयोगी नीलकंठ, जो जहर पीकर भी अपने देश के विकास के लिए काम किए जा रहा है, और यही सोचकर कि एक दिन मेरा देश ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठे और बड़े बड़े इनोवेशन करे, इन्वेंशन करे। इतना छोटा सा देश है सिंगापुर, 40 साल में कहां से कहां पहुंच गया, और पिछले 70-70 साल से हम जात-पात करते रहे और उसी में ही रह गए। अरे मेरे बाप, अब तो समझो, ये जात-पात के लिए अगर मोदी जी को आज घुटने टेकने पड़े ना, तो ये देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। फिर करते रहना, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरी ज्ञाति। चले दो अंकल, पानी। मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं बेटा, ये वो गुजराती है जिन्होंने पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और ये वो है जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, और ये वो गुजराती है जो अपने भारत को पूरे वर्ल्ड में श्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं, ये लो। और आप सब वो गुजराती हैं जिनके हाथों में देश की एकता को कायम रखने की जिम्मेदारी है, रखोगे ना? हाँ चाचा। बाय द वे, आप किस जाति के हैं? मेरी जाति, मेरी ज्ञाति, मेरा घर, मेरा ठिकाना, सब कुछ एक ही है। मैं हूँ विकास, मैं हूँ गुजरात। मैं हूँ विकास, मैं हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। मोदी जी के साथ चल रहा हूँ मैं, देश की ताकत मैं हूँ।